तो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ 2024 ऑडी Q7 के बारे में, जो कि ऑफिशियल जो है वो अनवील हो गए हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कि जो फ्रेंड ऑडी की हमें Q7 SUV देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस जो कि हमें इसके इंटीरियर या फिर जो एक्सटीरियर है उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, काफ़ी टाइम से ऑडी ब्रांड ने अपने जो Q7 मॉडल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया था, बट फाइनली अब हमें इसका जो न्यू जनरेशन मॉडल है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर में काफ़ी सारे हमें अपडेट्स एंड परमानेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें न्यू हेडलैम्प सेटअप जो कि हमें रिवाइज LED DRL के साथ, एंड इसके अंदर हमें लेजर हेडलैम्प सेटअप जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें जो ग्रिल देखने को मिलती है जो कि हमें रिवाइज एंड और भी ज़्यादा हमें मॉडर्न लुक के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हमें न्यू बम्पर, न्यू एलिवेल डिज़ाइन एंड अपडेटेड टेल लैंप सेटअप देखने को मिलता है। एंड जो ओवरऑल प्रोफाइल है जो कि हमें और भी ज़्यादा हमें स्पॉटियर जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसके कल ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, फ्रेंड इसके अंदर हमें 3 न्यू कल ऑप्शंस भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड जो एलोवेंस देखने को मिलते हैं जो कि हमें 20 से 22 इंचज तक के जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। इंटीरियर के बारे में बात करो जो कि हमें आउटगोइंग मॉडल जैसा ही देखने को मिलता है, बट ये हमें और भी ज़्यादा हमें डेकोरेटिव यानी कि हमें 9 इनलेस ऑप्शंस के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेंट सिस्टम भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड साथ ही में हमें वर्चुअल कॉकपिट जो कि हमें और भी ज़्यादा हमें मोर इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड इसके अंदर हमें ड्राइवर असिस्ट फ्यूचर जैसे कि हमें लैंड चार्ज वार्निंग, डिस्टेंस वार्निंग एंड और भी काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें वर्चुअल कॉकपिट के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें जो इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि हमें सेम ही देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रेंड इसके अंदर हमें 3.0 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन एंड डीजल इंजन ऑप्शन एंड साथ ही में हमें 4.0 लीटर V8 इंजन ऑप्शन जो कि हमें परफॉर्मेंस सेंट्रिक SQ7 मॉडल के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें फिलहाल तो इतने स्पेसिफिकेशन एंड फ्यूचर से वही देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, और भी अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी में एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।